जय श्री राम, राम राम। नमस्कार, एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षा विभाग छठे चरण एवं सातवें चरण बिहार टीटी बिहार एसटीटी के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार टीटी बिहार एसटीटी शिक्षक औरतों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही, कुछ जरूरी बातें करने वाले, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर, आज का हेडलाइन आप लोग देख लिए होंगे, तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहें इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं छठे चरण और सातवें चरण के बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले छठे चरण के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, इस अनुसार से यदि बात करें तो आधे से भी अधिक पद खाली रह गए हैं छठे चरण में, तो बड़ी खबर कही जा सकती है। और ऐसे भी बात करें तो कुछ ऐसे नियोजन निकाय हैं जहाँ पर काउंसलिंग तृतीय जो भी थर्ड राउंड काउंसलिंग के अंतर्गत नहीं हो पाई है, वहाँ पर भी काउंसलिंग होनी है, इसके लिए नई तिथि भी निर्धारित की जाएगी। तो ये सभी बात हैं। तो कुल मिलाकर बात करें फिर भी आधे से भी अधिक पद खाली रहने की संभावना बन रही है। तो ऐसे में आप लोग विश्वास रखें कि जो 45,000 के करीब पद खाली रहने की संभावना बन रही है, और ये पद जो बात करें तो सातवें चरण में जुड़ जाएंगे। तो कम से कम बात करें तो 44-45 हज़ार के पद करीब करीब जुड़ने चाहिए, 40,000 से तो अधिक पद आप लोग विश्वास रखें कि जो सातवें चरण में जुड़ जाएंगे ही। तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं इन बातों को भी। और अपर मुख्य सचिव जी द्वारा यह बातें निकल कर सामने आई कि जो निर्धारित तिथि है 25 फरवरी क्लास 1 से 8 के लिए, तो नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय से नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। यह बातें पहले ही अपर मुख्य सचिव द्वारा लिखित रूप से स्पष्ट कर दी गई हैं, और शिक्षा मंत्री जी द्वारा भी स्पष्ट कर दी गया है कि जो निर्धारित तिथि है इसी पर नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा और हर हाल में नियुक्ति पत्र बांटे जाएं। ये बातें शिक्षा मंत्री जी द्वारा भी स्पष्ट कर दी गई है पिछले दिनों की बात करें तो। तो ऐसे में बड़ी खबर कही जा सकती है जो छठे चरण के अभ्यर्थी हों या फिर सातवें चरण के अभ्यर्थी हों, सभी के लिए, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए भी बात करें तो नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। आप लोगों को पता भी होना चाहिए इसके लिए भी 17 फरवरी और 18 फरवरी हैं। तो अब आगे बात कर लेते हैं सातवें चरण के बारे में। तो सातवें चरण के बारे में भी स्पष्ट है कि जैसे ही छठे चरण समाप्त होंगे सातवें चरण शुरू हो जाएंगे। इससे पहले बात करें तो रिक्तियों का रिकैलकुलेट भी होना है, और अपर मुख्य सचिव जी द्वारा यह भी जानकारी दी गई है। तो यह पता आप लोग को होगी भी, पिछले वीडियो में ही अपडेट कर दिए हैं कि जो भी रिक्ति है, बात करें तो अब तक की अर्थात 2019 से अब तक की रिक्ति जुड़ेंगे। इसके अलावा बैकलॉग के पद जो सातवें चरण में जुड़ेंगे, बैकलॉग के पद छठे चरण के जो पद हैं जो बैकलग हैं तो वो भी जुड़ेंगे। इसके अलावा बात करें तो जो इधर उच्च माध्यमिक विद्यालयों की जो संख्या बढ़ी है, नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या, तो ये भी पद जुड़ेंगे। तो इसका भी आकलन किया जा रहा है और रिपोर्ट भी सौंपा जाएगा। ये भी बातें अपर मुख्य सचिव जी के माध्यम से सामने आई हैं। तो ये सभी पद हो गए। तो कुल मिलाकर बात करें तो पहले भी बातें कर चुके हैं, जैसे कि 5334 पद हैं जो नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के, जो इतने विद्यालयों की संख्या है, तो इतने पद कम से कम बात करें तो आ सकते हैं। खासकर बात करें तो सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय में इतने पद आने अहम है, तभी नौकरी पक्की हो सकती है अधिक से अधिक क्वालिफाइड की, 5334 के करीब हैं। वैसे बात करें न्यूज के अनुसार तो 6421 की भी बातें निकल कर सामने आई हैं। तो इतने पद यदि जुड़ जाते हैं तो अधिकतर क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है, कंप्यूटर साइंस की बात करें या फिर सोशल साइंस की बात करें। इसके अलावा आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं, एसटीटी अंक का वेटेज कैसे हैं। तो ये भी बातें हैं कि वेटेज कैसे, जैसे कि आप लोग पहले भी देखे होंगे कि जो बात करें तो 90 से 104 के बीच में, 104 अर्थात 105 से कम, 105 से 100 आप लोग समझ, 120 से कम, 120 से आप लोग समझ सकते हैं। तो इस अनुसार से बात करें तो अंक भी मिलते हैं एसटीटी के। तो ये सभी बात करें तो एक तरह से कहा जाए तो अच्छी बात तो नहीं भी कही जा सकती है, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए चाहिए कि ये जो एसटीटी अंक का वेटेज है, तो ये सब जैसा अब नहीं बताया गया है तो नहीं मिलना चाहिए वेटेज सब एसटीटी अंक का। तो इस अनुसार से होने पर किसी को कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है जो वेटेज है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये सभी वेटेज जो 2, 4, 6 ये सब, तो इससे खास फायदे नहीं होते हैं। खासकर बात करें तो अधिकतर को 2 अंक ही जुड़ते हैं, और बहुत तो 4 अंक, और बहुत कम ही ऐसे होते हैं जिसके जो 6-6 अंक जुड़ते हैं। तो ये सभी बातें हैं। तो आप लोग को भी ये होनी चाहिए जो एसटीटी अंक का वेटेज है ये कैसे, तो यही बात है। तो ये अंक भी नहीं जुड़ने चाहिए। तो यही है, तो ये भी बातें निकल कर सामने आई हैं विभिन्न चैनलों के माध्यम से। तो आप लोग समझ सकते हैं जो अंक है तो ये
आप लोग को कैसा लगता है, 2, 4, 6 है, ये जुड़ने चाहिए या फिर नहीं जुड़ना चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं आपका क्या विचार है।